बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है भुना गोश्त। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट डाउन कर। 1/2 kg मैंने बीफ लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ 2 प्याज लिए हैं, इसको मैंने थोड़ा मोटा काटा है। देखिए इतना ही काटे क्योंकि हम लोग कुकर में बनाएंगे, प्रेशर कुकर में, तो प्रेशर कुकर में हम इतना ही प्याज मोटा यूज़ करेंगे। और 5 मेरे पास लहसुन की 5-6 लहसुन की कलियाँ हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। 5 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और यहाँ कुछ स्पाइसेस हैं जो यूँ हैं, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1/4 teaspoon मैंने हल्दी का लिया। और यहाँ हमारे कुछ मसाले हैं जो यूँ हैं, ये हम एंड में यूज़ करेंगे, हम साथ ही इनको ऐड नहीं करेंगे। ये 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/4 teaspoon मैंने पिसी हुई काली मिर्ची ली है, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने कसूरी मेथी का लिया है और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने गरम मसाला लिया है। 2 ग्लास मैंने पानी के लिए हैं। अब हम फ्लेम या ये और थोड़ा सा हरा धनिया और 4 हरी मिर्ची लिए हैं जो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हमने फ्लेम ऑन किया है, इसमें हम गोश्त डाल देंगे। प्रेशर कुकर में और साथ ही मैं प्याज और लहसुन ऐसे ही ऐड कर दूंगी। दो ग्लास जो पानी लिए थे अब वो डालेंगे और साथ ही ये हमारे स्पाइसेस चले जाएंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम भुना गोश्त बनाएंगे, इसलिए हम जो अपने मसाले हैं गरम मसाला और धनिया पाउडर ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए देखिए गोश्त कितने अच्छे से गल गया है। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे और कढ़ाही लेंगे, इसमें हम 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही मैं अदरक डाल दूंगी जो हमने 1 टेबल स्पून लिया था। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटरों को देखें टमाटर कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको सॉफ्ट होने के लिए 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब इस पॉइंट पे हम गोश्त डाल देंगे। ये सारा गोश्त हमने इसमें डाल दिया है और जो थोड़ी सी ग्रेवी थी वो भी मैंने इसमें साथ ही ऐड कर दी है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। आपने देखा होगा जो मैंने इसमें प्याज और लहसुन डाला था वो कितने अच्छे से मैश हो गया है। देखिए गोश्त कितने अच्छे से भुन गया है। इस पॉइंट पे मैं इसमें 5 टेबल स्पून जो मेरे पास दही था वो ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से भूनेंगे। डाला था वो कितने अच्छे से खुश्क हो गया है और ऑयल आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही ज़ीरा पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर ये साथ ऐड कर देंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। इस पॉइंट पे हम फ्लेम स्लो कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से गोश्त भुन गया है।
इस पॉइंट पे अब हम इसमें गरम मसाला और साथ ही कसूरी मेथी जो हमारे पास थी वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फिर इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए एक मिनट हो गया है, गोश्त अच्छे से भुन गया है। एक मिनट हो गया है, भुना गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इस पॉइंट पे हरा धनिया और हरी मिर्ची इसमें डाल देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए इजी वे से मैंने इसको बनाया है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।